का नाम तो भूल गई, बॉम्बे की, अमरावती की जो वहां है, और सभी वैशाली बहन जी, हमारी एलिजाबेथ बहन और अन्य सभी बाबा के योगी सहयोगी अथक सेवाधारी भाई बहने, और आज के इस क्लास में जुड़े हुए सभी बाबा के नए बच्चे और जो भी पुराने बच्चे हैं, सबको मधुबन बेहद घर से हमारी प्यारी दादियों की ओर से, वरिष्ठ दीदियां और बड़े भाइयों की ओर से, तथा सभी मधुबन निवासी समर्पित भाई बहनों की ओर से मेरी तरफ से, शारदा बहन के तरफ से, सबको बहुत बहुत बाबा का याद प्यार। गुड मॉर्निंग, ओम शांति। रोज अमृत वेले डायरेक्ट भगवान से हम मिलन मनाते हैं, और उसके बाद प्रैक्टिकली क्लास में आते हैं, तो पवित्र योगी भाई बहनों से हमारा मिलन होता है। ये भी हमारा कितना सौभाग्य है कि हम पवित्र आत्माओं से मिलते हैं, बाबा के मधुर महावाक्य सुनते हैं, सद्ज्ञान रत्नों से हमारी बुद्धि की झोली को भरते हैं। तो सुबह से ही हमें बाबा के मुरली के महावाक्यों से दिन भर के लिए श्रेष्ठ लक्ष्य मिल जाता है, मन और बुद्धि को सही दिशा मिल जाती है। तो जो भी हमारी शक्तियां हैं, उनको एक सही दिशा मिल जाती है। हम सब जानते हैं, अनेक जन्मों से हम भगवान को याद करते रहे हैं, बल उनका सही परिचय नहीं था, अपनी भावना अनुसार अपने अपने इष्ट को याद करते थे, और जिस मठ पंथ संप्रदाय से जुड़े होते हैं, उस विचारधारा को मान के चलते रहते हैं। लेकिन हमारी इस भावना भक्ति का फल बाबा आकर के देते हैं। स्वयं भगवान सृष्टि पर आते हैं और हमें भक्ति भावना श्रद्धा का फल सत्य ज्ञान देते हैं। ये सबसे बड़ी बाबा की कृपा है कि एक्यूरेट टाइम पर भगवान आते हैं और सत्य ज्ञान का प्रकाश देते हैं। अज्ञान के कारण ही हम पतित बने। जैसे ही हम अपने आप को भूलते हैं तो देहभान में आते हैं, विकारों के वश होते हैं, हमारी आंतरिक पवित्रता, शांति, शक्ति क्षीण होने लगती है, और हम दिन प्रतिदिन और पतित बनते जाते हैं, उतरती कला को प्राप्त होते हैं। तो बाबा का सत्य ज्ञान, जिसके लिए बाबा कहते हैं कि नॉलेज इज लाइट, ज्ञान एक प्रकाश है जो आत्मा को जगा देता है। हम
अज्ञान, अल्प ज्ञान, मिथ्या ज्ञान में मुंझते रहते हैं। अनेक मतें मिलती हैं तो हम भटकते रहते हैं। पावन बनने के लिए क्या क्या पुरुषार्थ करते थे, कितने व्रत उपवास, कितने तीर्थ यात्राएं, कितने कथा कीर्तनों में हम एक मंदिर से दूसरे मंदिर में, एक गुरु से दूसरे गुरु के पास, एक शास्त्र कथा से दूसरे शास्त्र कथा में भटकते रहे, क्योंकि आत्मा को पवित्र स्थिति में ही सुख चैन मिलता है। यही कारण है जैसे ही देहभान में आए, द्वापर युग में भक्ति मार्ग शुरू हो गया। क्यों? क्योंकि आत्मा को अपवित्रता में कंफर्ट नहीं लगता, उससे पवित्रता में शांति, अमन चैन महसूस होता है। तो देखिए, आधा कल्प द्वापर युग से लेकर कलयुग अंत तक हम भक्ति करते रहे, मेहनत करते रहे, भटकते रहे पावन बनने के लिए। हमारा ये सौभाग्य है कि हमें सत्य ज्ञान मिला है। बाबा का सत्य ज्ञान तो अनेकों को दिया जाता है, परंतु सभी आत्माएं नहीं जागती हैं। हमारा तीसरा नेत्र खुल गया, हमें समझ में आ गया कि कैसे हम पतित बने, अब कैसे पावन बनना है, उसके लिए क्या करना है। तो प्यारे बाबा की ये कृपा है कि बाबा एक्यूरेट टाइम पर सृष्टि पर आते हैं और आकर सद्ज्ञान देते हैं। हमें आदि मध्य अंत के सारे राज समझाते हैं। भक्ति में भी गाते थे कि शिव का डमरू डमडम बाजे, अगम निगम के भेद खोले। शिव बाबा का चैतन्य डमरू ब्रह्मा बाबा है। ब्रह्मा मुख से शिव बाबा सृष्टि चक्र के, त्रिलोक के, कर्म के, आत्मा और परमात्मा के आदि मध्य अंत का सारा ज्ञान देते हैं। तो हमें ये निश्चय हो जाए, हमारे में ये परख शक्ति आ जाए, सत्य ज्ञान के आधार पर जो दिव्य बुद्धि मिलती है उससे हमें ये परख आ जाए, हमें निश्चय हो जाए कि स्वयं भगवान हमें पढ़ाते हैं। ये कोई मनुष्य का ज्ञान नहीं है, क्योंकि मनुष्य रचयिता और रचना के आदि मध्यांत का ज्ञान नहीं दे सकता है। अगर दे सकता था तो हमें कब से मिल जाना चाहिए। अनेक धर्मात्माएं, महात्माएं, ऋषि मुनि, साधु संत, अनेक आत्माओं ने प्रयास किया, पर हरेक की मत एक दूसरे अलग रही। सत्य तो एक है, सर्वमान्य होता है, क्यों अनेक धर्म, मठ, पंथ, संप्रदाय बने? क्योंकि सत्य नहीं था। ये सत्य बाबा ने हम बच्चों को दिया, और सत्य प्राप्ति की निशानी है कि
कि हमारा भटकना बंद हो जाता है। फिर हम बाबा के ज्ञान को लेकर लक्ष्य निश्चित कर लेते हैं और बस सत्य के आधार पर एक ही दिशा में पुरुषार्थ करते हैं। हम आत्मभान में आने लगते हैं। देहभान कोई देहधारी नहीं मिटा सकता है। देहधारी देवात्मा हो, धर्मात्मा हो या महात्मा हो, देहधारी की याद देहाभिमान में ही लाने वाली, एक निराकार की याद ही आत्मभिमानी बनाती है। विकारों पर विजय पाते हैं क्योंकि सत्य और असत्य, पवित्र और अपवित्र, सार और असार साथ नहीं रह सकते। बाबा मुरली में भी कहते हैं ना कि भक्ति और ज्ञान दिन और रात साथ नहीं रह सकते। प्रकाश का आना मीन्स अंधकार का समाप्त होना। हमने बाबा के सत्य ज्ञान को समझा है तो अब बुद्धि से अज्ञान समाप्त होना चाहिए। अब हमें भक्ति का फल सत्य ज्ञान मिल गया। अब हमें गुरुओं में, मंदिरों में, शास्त्रों में, कथाओं में भटकने की जरूरत नहीं। जो सत्य मिला है, ज्ञान प्रसाद मिला है, उसे जीवन में धारण करना है। इसलिए देखो बाबा रोज मुरली में कहते हैं, बाबा बैठ बच्चों को समझाते हैं, सिर्फ सुनाते नहीं हैं, समझाते हैं। ये बुद्धि की बात है। जो समझा होगा वो अवश्य दूसरों को समझाएगा। तो हम बाबा के ज्ञान को समझे हैं तो अब हमें उसे जीवन में धारण करना है, आचरण में लाना है। ज्ञान का हर सत्य एक बीज के समान है। बीज में ही सारा पोटेंशियल होता है, परंतु वो बीज पाकर अगर हमने ऐसे ही रख दिया तो पूरा फायदा नहीं मिलेगा। परंतु उस बीज को धरणी में डालेंगे, मिट्टी में मिलाएंगे, उनको अच्छी खाद, पानी, धूप देंगे तो वो बीज अंकुरित होगा, पौधा पनपेगा और हमें वो एक बीज से अनेक गुने बीज प्राप्त होते। कहते हैं ना, कण बीज से प्रकृति भी मण बीज बना कर देती। पर हम उसे धरती में मिलाएंगे तो इसी प्रकार ज्ञान का हर सत्य एक शक्तिशाली बीज। अगर हर सत्य को हम आचरण में लाएंगे तो हमें श्रेष्ठ जीवन, सत्कर्मों रूपी गुलदस्ता हमें प्राप्त होगा। अगर हमने खुराक खाया, पेट में भरा, परंतु डाइजेस्ट नहीं किया तो ब्लड और एनर्जी नहीं बनेगी। हम खुराक खाते हैं, हजम हो जाए उसके लिए हम
वॉक करते हैं, वर्क करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, मीन्स कोई ना कोई हम श्रम करते हैं ताकि जो खुराक हमने ली वो हजम हो जाए, डाइजेस्ट हो जाए, ताकि हमें ऊर्जा मिले, ब्लड बने। सेम बाबा जो सत्य ज्ञान हमें सुनाते हैं, हम रोज बाबा के मधुर सत्वचन सुनते हैं, बुद्धि से समझते हैं, पर सिर्फ बुद्धि तक सीमित नहीं रखना, हमें उसे कर्म में अप्लाई करना है, धारण करना है, कर्म व्यवहार में ज्ञान को हम लाएंगे तो सत्य ज्ञान की शक्ति का हमें अनुभव होता है। सिर्फ बुद्धि तक सीमित नहीं रखना, जो ज्ञान को धारण नहीं करते हैं, परंतु अगर दूसरों को सलाह देते हैं तो लोग उसे क्या कहते हैं कि ये तो सिर्फ पंडित है, ये पंडित है, दूसरों को कहते हैं पर खुद के आचरण में नहीं। तन भर उपदेश की तुलना में पाउंड भर ज्ञान की धारणा का महत्व ज्यादा है। इसलिए कहते हैं ना कि उपदेशक नहीं बनना है, आचार्य बनना, जीवन में धारण करना है। उसको कहेंगे कि ज्ञान से विजडम आता है, और विजडम को जीवन में धारण करने से हम महान आत्माएं, वाइज मैन, श्रेष्ठ आत्माएं बनते। और प्रभाव तो आचरण का ही है, इसलिए कहते हैं कि सिर्फ मुख ज्ञान न बोले, आपका चरित्र ज्ञान बोले, आपका आचरण, आपकी जीवन शैली ज्ञान दे। महात्मा गांधी बापू जी ने भी अपने अंतिम संदेश में यही कहा था ना कि मेरा जीवन ही मेरा संदेश है। क्या हम शिव बाबा के बच्चे रोज सत्य ज्ञान की मधुर शिक्षाएं प्राप्त करने वाले, क्या हम कह सकते हैं कि मेरा जीवन शिव बाबा का सत्य संदेश, मेरा जीवन बाबा के ज्ञान का दर्पण है? क्या हमने ये लक्ष्य बना लिया है कि अब जब सत्य मिला है तो उसे आचरण में मुझे ला, मुझे बाबा के ज्ञान से पूर्ण प्राप्ति करनी। हमारा एक गीत भी है ना कि सिर्फ गुणों का गायन नहीं करना, शिव बाबा के गुणों का सिर्फ गायन नहीं करना है, परंतु हमें गुणों को जीवन में धारण कर गुणवान भी बनना है। जब हम ये सत्य समझ जाते हैं, पवित्रता ही महानता है, पवित्रता से ही शांति और सुख की अनुभूति होती है। जो पवित्रता को अपनाते हैं, चाहे वो देवी देवताएं हैं, चाहे साधु संत है, चाहे पवित्र कुमारियां हैं, उनका पूजन होता है। पवित्रता के कारण ही महानता आती है। हम गायन योग्य
पूजन योग्य बनते हैं। प्रथम पाठ में ही ये सत्य हम सभी ने समझा है कि हम आत्माएं ओरिजिनली शुद्ध और सत्य हैं, पवित्र हैं। तो अब हमें फिर से अपनी ओरिजिनल पवित्र स्टेज को प्राप्त करना है। इसलिए बाबा आकर के पहला पाठ आचरण में लाने के लिए बार बार कहते हैं, बच्चे पवित्र बनो, योगी बनो। अज्ञान के कारण ही तो पतित बने थे, अपने आप को भूले तो लगा माया का गोला, आत्मविस्मृति में आए, देहभान में आने लगे तो दैहिक आकर्षण हुए। पर बाबा के ज्ञान के प्रथम पाठ का सबक यही है, उससे यही विजडम हमें मिलता है कि जो देखने में शरीर आ रहा है वो शरीर मैं नहीं हूं, मैं निराकार ज्योति बिंदु आत्मा। हम सभी आत्माएं हैं, एक बाबा के बच्चे हैं, आपस में आत्मा आत्मा भाई भाई है। हमें इस रूहानी स्मृति में रहना है, रूहानी नजर से देखना है और अपने इस पवित्र आत्म धर्म में स्थित होकर कर्म करना। तो बहुत सहज रीति हमारे जीवन में ब्रह्मचर्य व्रत की धारणा होती है। इसलिए प्रथम पाठ हमने समझा है तो उसका प्रैक्टिकल रिजल्ट ये आना चाहिए, हमारे मन वचन कर्म पवित्र बन जाए। दैहिक आकर्षण खत्म हो जाए, हम आत्म स्मृति में टिक जाएं, हरेक को आत्म दृष्टि से देखें, बहुत सहज ब्रह्मचर्य की धारणा हो जाती। ये कोई अलग से ऊपर से लदे हुए नियम नहीं है, ये ज्ञान समझने से जीवन में होने वाली श्रेष्ठ धारणाएं हैं। अगर मुझे ज्ञान है कि मैं यहां से सीधा आगे जाऊंगी, वहां बहुत बड़ा खड्डा है, अगर मैं स्ट्रेट जाऊंगी तो उसमें गिर जाऊंगी। इसलिए कहा जाता है कि आप साइड से रास्ता निकाल करके जाइए। अगर ये बात मैंने समझी है, जो मुझे कहा गया वो मेरी समझ में आया, वो तब कहा जाएगा जब मैं साइड से रास्ता निकाल करके जाऊं। परंतु ये जानते हुए भी मैं स्ट्रेट जाकर खड्डे में गिरूं तो मैंने क्या समझा। तो अगर बाबा का ये प्रथम पाठ हमने समझा है तो हमारे देह दृष्टि खत्म होगी, स्त्री पुरुष का भेदभाव पक्षपात खत्म होगा, काले गोरे जाति के ज्ञाति के स्त्री और पुरुष के ये सब भेदभाव समाप्त हो जाएंगे, हम सबको आत्मदृष्टि से देखेंगे और पवित्रता की ब्रह्मचर्य की हमारे जीवन में धारणा होगी और बाबा के सत्य ज्ञान में शक्ति है। अगर हम दृढ़ संकल्प करें समझ पूर्वक तो हमारे जीवन में
पवित्रता की धारणा होती है। ये बाबा के सत ज्ञान की शक्ति है। आज लाखों बाबा के बच्चे पवित्रता की धारणा करते। ज्ञान नहीं था तो विकारों में डुबके लगाते थे। अब बाबा ने आंख खोली है, तीसरा नेत्र खुला है, तो हम विकारों में डुबका क्यों लगाएं? पवित्रता सर्वश्रेष्ठ धारणा। पवित्रता से ही देखो, लोग मंदिर में जाते हैं, मूर्तियों के नजदीक जाकर दर्शन करने के लिए कहते हैं ना कि भाई पवित्रता की धारणा हो, बहुत स्वच्छता हो, स्नान आदि करके धुले कपड़े वस्त्र पहनकर हमें दर्शन के लिए जाना। ये बात क्या सिखाती है कि हमें पवित्र बनकर योगी बनना, पवित्रता से ही बुद्धि बाबा में लगती है। विकारी मन चंचल होता है, वो एकाग्र नहीं हो सकता। इसलिए भक्ति में भी कहते हैं कि बुद्धि रूपी म्यान में या तो राम रह सकते हैं या काम रह सकता है। एक म्यान में दो तलवार नहीं रह सकते, क्योंकि ये हमारे प्रथम पाठ से विरुद्ध की प्रक्रिया है। प्रथम पाठ है देह भान को भूलो, खुद को आत्मा समझ बाबा को याद करो। और विषय भोग देह को भोगना है। हमारा तो पहला अभ्यास ही बाबा ने ये बताया है कि देह भान को भूलो। देह भान भी नहीं रखना है तो देह को भोगने की तो बात ही नहीं। इसलिए सबको कहा जाता है कि पूरे परिवार के साथ ज्ञान में आओ, पति पत्नी दोनों ज्ञान में आए, तो सहज पवित्रता का व्रत धारण कर सकेंगे। पवित्र मन और बुद्धि में सत्य ज्ञान की धारणा होती है। आप रोज मुरली पढ़ते हैं तो जरूर आपके जानकारी में आया होगा बाबा का ये महावाक्य। बाबा कहते हैं कि शेरनी का दूध सोने के बर्तन में ही रह सकता है। माना शेरनी का दूध इतना शक्तिशाली होता है कि वो इतनी ऊंच धातु के पात्र में ही टिक सकता है। कहने का भावार्थ बाबा कहते, ईश्वरीय ज्ञान की बुद्धि शुद्ध, ईश्वरीय ज्ञान की धारणा शुद्ध बुद्धि में ही हो सकती, शक्तिशाली बुद्धि में ही हो सकती। इसलिए रोज की मुरली में अनेकों बार बाबा कहते हैं बच्चे संपूर्ण पवित्र बनना है, पूरा सतो प्रधान बनना है, बाबा से संपूर्ण वर्षा पाना है। अगर हम बाबा से सिर्फ ज्ञान नहीं लेकिन ज्ञान के साथ साथ सर्व गुण, सर्व शक्तियां, सर्वश्रेष्ठ अनुभूतियां करना चाहते हैं और अपना शुद्ध चरित्र बनाना चाहते हैं तो हमें बाबा से प्रैक्टिकल उनके शिक्षाओं को पाकर आचरण में लाना।
दूसरी बात, बाबा कहते हैं ना, जब तक काम वासना पर विजय नहीं प्राप्त करते, काम महाशत्रु है, जब तक उस पर विजय हम प्राप्त नहीं करते, हम सच्चे ब्राह्मण बच्चे नहीं कहला सकते। बाबा कहते हैं ना, काम वासना के जो वश होता है उसे पतित शूद्र कहा जाता है। हमें तो पावन देवता बनना है, ब्रह्मा मुख वंशावली पवित्र ब्राह्मण बनना है। हमें तो कमल आसन धारी सच्चा योगी बनना है। कमल आसन अर्थात पवित्रता, ये हमारा मूलभूत लक्ष्य है। इसलिए बाबा इस धारणा में बहुत पक्का रखते हैं, इसका कोई अल्टरनेट नहीं। बाबा कहते हैं ना कि मेरा काम ही है पतितों को पावन बनाना, मैं आया ही हूं सारी पवित्र दुनिया स्थापन कर। तो भगवान विश्व को पावन बनाने का कार्य कर रहे हैं और हम उनके बच्चे हैं, तो हमारा कर्तव्य क्या है? हमारा कर्तव्य है हम स्वयं पवित्र बने और दूसरों को पवित्र बनाए। ये हमारी बेसिक मेन मोस्ट इंपॉर्टेंट धारणा है। इसमें हमें जरा भी अलबेला नहीं रहना है, पूरी दृढ़ता से हमें इस व्रत का पालन। दूसरी बात बाबा कहते हैं, जब आप अपने आप को पवित्र बना रहे, मन बुद्धि संस्कार, क्योंकि खुद को पवित्र बनाना माना मुझ आत्मा को पवित्र बनना है, मीन्स मन बुद्धि संस्कार को पवित्र बनाना, मन वचन कर्म से श्रेष्ठ बनना, क्योंकि ठोस बात कर्म को कही जाती। कहीं बहुत सोचते हैं परंतु इतना ही दूसरों को समझा नहीं पाते। कहीं बहुत बड़ी बातें करते हैं पर आचरण में नहीं ला पाते। तो प्रैक्टिकल उसे कहा जाएगा ना, जो आचरण में लाता है, कर्म में लाता है। हमें बहुत ठोस शक्तिशाली बनना है, बार बार कर्म में धारण करना है। इसलिए बाबा के ज्ञान और योग में पहली डिसिप्लिन ब्रह्मचर्य, आत्मभिमानी बनना, पवित्र रूहानी दृष्टि वृत्ति से चलाना। इसलिए ये हमारी मूल बेसिक फंडामेंटल और मेन मुख्य धारणा है। जब तक पवित्रता का हम पालन नहीं करते, ब्राह्मण जन्म नहीं कहा जाए, हम सच्चे पक्के ब्राह्मण नहीं कहे जाए। दूसरा है अन्न शुद्धि। हमें पवित्र योगी आत्मा द्वारा बनाया हुआ स्वच्छ सात्विक पवित्र भोजन कर, क्योंकि लक्ष्य पवित्र बनने का है। तो मन
बुद्धि पर प्रभाव डालने वाली हर बात को शुद्ध और मर्यादा पूर्ण बनाए। हमें वो ही वस्त्र पहनने हैं जो हमारी पवित्रता को सपोर्ट करते। हमें ऐसे कपड़े नहीं पहनने हैं जो देह भान उत्पन्न करते, दूसरे को दैहिक आकर्षण में लावे। ऐसे वस्त्र नहीं पहनते, क्योंकि हम खुद पवित्र योगी बन रहे हैं, तो आत्मभिमान में स्थित करने वाले वस्त्र हमें पहन। अनुभव तो है ना सबको, जिस दिन नए सुंदर कपड़े पहनते हैं उस दिन हम आईने में कितनी बार देखते हैं? 4-6 बार हम उस दिन आईने में देखे, बॉडी कॉन्शियस बन गए। इसलिए मर्यादा पूर्ण वस्त्र पहनने, ताकि न खुद देह अभिमान में आवे न हमें देख दूसरे को देह अभिमान जागे। इसमें हमारी सेफ्टी है। जो भी भोजन हम करते हैं उसका भी मन पर प्रभाव पड़ता है। कहते हैं ना, जैसा अन्न वैसा मन। इसलिए हमें बाबा ने अन्न शुद्धि का नियम दिया कि आपको शुद्ध स्वच्छ सात्विक भोजन योगी आत्माओं द्वारा बनाया हुआ बाबा की याद में स्वीकार कर, क्योंकि अन्न से ही शरीर बनता है, शरीर से ही मैं आत्मा कर्म करते हैं, तो शरीर रूपी साधन जितना शुद्ध होगा सात्विक होगा उतना स्वस्थ रहेगा और शुभ कार्य में हम उसका उपयोग कर सके। कई भाई बहने बोलते हैं, सोचते हैं कि बाबा तो कहते हैं पर हम तो गृहस्थ में रहते हैं, हमें तो गृहस्थ में रहना है, एक दो के घर नहीं खाएंगे तो लोग नाराज हो जाएंगे, हम कैसे धारणा करें। परंतु देखो, भक्ति में भी व्रत उपवास करते हो और किसी के घर कोई प्रसंग में जाते हो तो उपवास तोड़ थोड़ी देते। कहते हैं ना, भाई आज मेरा उपवास है, मैं ये नहीं खा सकती हूँ, मैं फल खा लूंगी, धारणा रखते हैं ना, नियम का महत्व रखते हैं ना। तो हम भी कह सकते हैं ना कि भाई हम भगवान के सत्य ज्ञान योग की शक्ति से अपने आप को पवित्र देवता बना रहे हैं, इसलिए मैंने ये व्रत लिया है कि कहीं भी जाएंगे आएंगे खाएंगे तो खुद खाना बनाकर खाएंगे और किसी के हाथ का नहीं खाएंगे, ताकि मैं पूरा पवित्रता से पूरी शुद्धि से पूरे शक्तिशाली वाइब्रेशन के साथ तो ये नियम भी हमें पालन करना है। भक्ति में करते हैं, अब तो ज्ञान मिला है, अब तो और हमारे में दृढ़ता आनी चाहिए। पर दुनिया में कभी कभार कहीं जाते हैं तो लोग खाने के लिए आग्रह करते हैं,
बाकी रोज जाओ कोई खिलाएगा नहीं, हाँ रोज जाओ किसी के घर कोई नहीं खिलाएगा। इसलिए ऐसी स्थूल छोटी बातों का हमें ज्यादा महत्व नहीं रखना चाहिए। कहते हैं ना कि लोग क्या कहेंगे, लोग क्या कहेंगे, समाज क्या कहेंगे। अब लोग की कदर करते रहे और लोगों के कहे अनुसार चलते रहे तब तो आज ये पतन हुआ है। ज्ञान भी गया, गुण भी गए, चरित्र भी गए, साधारण मानव बन गए, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार के वश हम बिल्कुल पतित तमो प्रधान बन गए। तो लोगों के कहने पर चलने से क्या मिला, तो और ही हमें बाबा के ज्ञान में मजबूत बनकर ये सबक सीख लेना चाहिए कि लोग क्या कहेंगे, समाज का कहना क्या है, ये हमें नहीं सोचना, पर हमारा विवेक क्या कहता है, बाबा की श्रीमत क्या कहते, हमें उस सत्य पर चलना, हमें उस सत्य पर चलना। अन्न एक ऐसा माध्यम है जिसके द्वारा ही सारे इविल्स, इविल पावर्स अप्लाई किए जाते हैं। पता होगा आप सबको, सारे इविल पावर्स जो मंत्र तंत्र में करते हैं वो अन्न के द्वारा ही दूसरे पर अप्लाई किया जाता है। जब किसी के प्रभाव में वो व्यक्ति बात करते हैं तो कहते हैं ना कि इसके प्रभाव में ये आया है, जिसका खाते हैं उसका गाते हैं। लगता है किसी ने इसको खिला दिया, वो उसी की गुणगान करता है, उसके प्रभाव में ही चलता है, कहते हैं ना ऐसे। इसलिए हमें ये नियम पक्का बना देना है कि हम शुद्ध सात्विक स्वच्छ सत्व प्रधान खुराक खाएंगे। हमें किसी के घर खाने की जरूरत नहीं। और ही एक अच्छा नियम जीवन में धारण हो जाए। मैं देखती हूँ हमारे भारत में गाँव में बड़े बुजुर्ग लोग घर में नाश्ता चाय पानी करके निकलते हैं, किसी के घर जाएंगे फिर चाय की ऑफर करेंगे फिर पीने बैठ जाएंगे। अरे भाई आप पी के निकले हैं, नाश्ता करके निकले हैं, अब दोबारा खाने की पीने की कोई आवश्यकता नहीं। और बाबा कहते हैं खाने की हबच में आ जाते हैं, खा लेते। तो बाबा कहता है ये हबच खाऊं 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 नहीं होना चाहिए। एक भाई कहता है मैं योग में बैठता हूं मुझे खाने की बातें ही याद आती, जीभ के रस स्वाद की ही बातें याद आती। तो जब हमें माया जीत बनना है, कर्मेंद्रिय जीत बनना है, बहुत सुंदर पवित्र योगी दिव्य जीवन बनाना है, तो हमें स्वादेंद्रिय पर भौतिकता पर विजय प्राप्त करना चाहिए, उसके कंट्रोल में उसको रखना चाहिए। इसलिए लोगों की परवाह नहीं करनी, भगवान क्या कहते हैं उसकी परवाह करनी,
कई बाबा से पूछते थे बाबा क्या करे, हमारे मित्र संबंधी के घर नहीं खाते हैं तो वो नाराज हो जाते हैं, बहुत आग्रह करते हैं, बाबा हम क्या करें, हम भी गृहस्थी है, हमें भी अपने बच्चों की शादियां करनी करानी है, हमें उनके साथ व्यवहार में रहना है, तो हम क्या करें। बाबा ने मुरली में बहुत सुंदर जवाब दिया था कि बच्चे क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए वही तो रोज बाबा समझाते, रोज मुरली में क्या समझाते, रोज यही तो समझाते हैं ना, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, क्या बोलना चाहिए क्या नहीं बोलना चाहिए, क्या सोचना चाहिए क्या नहीं सोचना चाहिए, यही तो सारी प्रैक्टिकल बातें बाबा बताते हैं, क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए, क्या पहनना चाहिए क्या नहीं पहनना चाहिए, यही तो बाबा रोज समझाते हैं। फिर भी बच्चे पूछ रहे हैं कि बाबा हम क्या करें, मीन्स जरूर बच्चे को खाने की दिल है तभी तो बाबा से पूछता है, जरूर खाने का आकर्षण है, पहनने का आकर्षण है, तब तो पूछते हैं, वरना बाबा ने तो स्पष्ट बता ही दिया है कि पवित्र देवता बनना है तो ये दैवी मर्यादाएं धारण करनी है, अन्न शुद्धि रखनी है, देवी देवताओं को कितना शुद्ध सात्विक भोग लगाते हैं। बाबा मुरली में भी कहते हैं ना कि देवी देवताओं को थाल धराते हैं, भोग लगाते हैं, उसमें लहसुन प्याज बीड़ी सिगरेट शराब नहीं रखते हैं। तो तुम स्वयं देवता बन रहे हो तो तुम अपने आप को इसका भोग कैसे लगा सकते, अर्थात तुम खुद कैसे ऐसा खा सकते। अब लहसुन है प्याज है ये सब टेस्ट के लिए ही डालते हैं ना, कि भाई प्याज के बिगर लहसुन के बिगर टेस्ट नहीं आता है, लहसुन प्याज डालते हैं तो कहते बड़ा टेस्टी आज बना, तो वो तो स्वाद इंद्रिय को जगाने की बात है ना। हम तो इंद्रियों को कमल फूल बना रहे हैं, इंद्रियों पर कंट्रोल पाना चाहते हैं ना, कर्मेंद्रिय जीत बनना चाहते हैं ना, इसलिए हमें शुद्ध स्वच्छ सात्विक खुराक आवश्यकता अनुसार लेना चाहिए। हम खाने के लिए नहीं जी रहे हैं, हमें जीने के लिए जरूरी खाना है, इसलिए योगी अनाहारी भी नहीं होगा, ऐसे नहीं खाना ही नहीं है, उपवास ही उपवास, निर्जला निराहारी उपवास करे ऐसा नहीं, निराहारी भी नहीं बनना है, माना खाए ही नहीं, नहीं। शरीर को स्वस्थ रखने के लिए आवश्यक सात्विक पौष्टिक खुराक हमें लेना है, अति आहारी भी नहीं बनना है, खाऊं 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 होता ही रहे ऐसा नहीं, अपने टेस्ट का मिला ज्यादा खा गए ऐसे नहीं, हमें मिताहारी बनना है, मर्यादा में आवश्यक उतना जरूरी खाना है। तो ये अन्न शुद्धि भी अगर आप ज्ञान योग का पुरुषार्थ करने लगे हैं, जीवन को पवित्र श्रेष्ठ बनाना है तो अन्न शुद्धि का नियम भी पालन करना है, और इसमें हमारी ही सेफ्टी है। आज कहाँ अन्न शुद्ध होता है, कैसे कैसे विचारों में रहकर कौन क्या खुराक बनाता है, और जो भी बिजनेस है लोगों का, होटलों का, रेस्टोरेंट का, या खान पान की चीजें बेचने का, तो
वो तो एक बिजनेस पर्पस से बनाते हैं, तो हम उसका क्या प्रभाव लेंगे। कहते हैं ना कि माँ के हाथ का प्यार से बनाया हुआ भोजन होटल में, बिजनेस पर्पस से बनाया हुआ भोजन और मंदिरों में भगवान को भोग लगाने के लक्ष्य से बनाया हुआ शुद्ध भोजन, तीन में अंतर क्यों है? तीनों में अंतर क्यों है? है तो वो ही अनाज मसाले तेल आदि, पर बनाते समय जो मानसिकता है उसमें अंतर है। इसलिए तीनों प्रकार का भोजन, मंदिर का प्रसाद, होटल का खाना और घर में माँ बहनों ने प्यार से बनाया भोजन, तीनों में अंतर है। तो क्यों नहीं हम इस बात को समझें और नियम बना लें कि हमें किसी के भी घर नहीं खाना चाहिए। ये भी एक ऋण हिसाब बनता है, जिसका खाते हैं उसके गीत गाते हैं, कहते हैं ना, क्योंकि उसके प्रभाव में आते हैं। महाभारत का उदाहरण देते हैं ना कि भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, प्रखर ऋषि आचार्य थे, लेकिन कौरों की सभा में द्रौपदी की लाज लूटी जा रही थी तो भी वे कुछ बोल क्यों नहीं सके, क्योंकि कौरों का खाते थे इसलिए दबते थे। तो अगर मुझ आत्मा को मुक्त होना है, कोई भी आत्मा के प्रभाव में नहीं आना है, तो हमें ये नियम जरूर अपना लेना चाहिए कि हम बाबा की याद में पवित्र आत्माओं के द्वारा बना हुआ शुद्ध सात्विक पौष्टिक भोजन खाएं। और नहीं, आज होटलों में बाहर जो भी भोजन मिलते हैं, अब वो कहाँ तक शुद्ध होंगे, कहाँ तक स्वच्छ होंगे, है ना, कैसी कैसी चीजें मिलावट होती है। तो क्यों नहीं हम अपने जीवन में ये नियम बना ले। और हमारा अनुभव है, अनेक माताओं का अनुभव है कि जब से बाबा के बने और अन्न शुद्धि का नियम अपनाया, बाहर का खाना बंद किया, तो और ही घर में हर चीज बनाना सीख गए, कम खर्चे में सात्विक भोजन परिवार को मिल जाता है। तो बाबा जो नियम मर्यादा सिखाते हैं वो हर प्रकार से कल्याणकारी है, मदद करने वाली है। अन्न शुद्धि है तो कोई भी प्रकार के व्यसन की तो बात ही नहीं है। व्यसन तो वैसे भी आत्मा को परवश बनाने वाले हैं, और ये ऐसी ऐसी चीजों के व्यसन होते हैं, तंबाकू के और कई प्रकार के ड्रग्स के, शराब के, जो आत्मा को आदती बना देते हैं, और उससे पैसा भी खर्च होता, शरीर भी रोगी बनता और मन भी गुलाम बनता है ना। इतना सेंसिबल इंसान व्यसन के बिगर रह नहीं पाता और तड़फने लगता, गलत तरीके से भी वो चीजें पाने की कोशिश करता, तो ऐसी आत्मा कैसे शुद्ध पवित्र योगी देवता बनेगी। तो व्यसन तो होने ही नहीं चाहिए, बल्कि जो अन्न पानी हम स्वीकार करें वो भी स्वच्छ सात्विक, बाबा की याद में बनाकर बाबा की याद में लेना है। और हमारा जीवन, योगी जीवन, सादा सरल सात्विक जीवन है ना। एक योगी को लोग कैसा देखना चाहेंगे? हम घर गृहस्थ में रहते, कमल फूल समान पवित्र रहते, हम योगी हैं, राजी योगी हैं। तो योगी का जीवन सादा सरल और सात्विक, क्योंकि अगर हम फैशनेबल जीवन जीते हैं तो
क्योंकि फैशन है ही अपने देह प्रदर्शन के लिए, है ना, दूसरों का आकर्षण हमारे देह में खींचने के लिए। तो नेचुरली हम भी बॉडी कॉन्शियस बनते, दूसरे को भी बॉडी कॉन्शियस बनाते। देखो रोज जो नॉर्मल कपड़े हम पहनते हैं उसके बजाय जिस दिन हम नए कपड़े पहनते हैं तो भी उस दिन हम चार बार आईने में देखते हैं। थोड़े भी नए अच्छे कपड़े पहनेंगे तो हम ज्यादा बॉडी कॉन्शियस होते हैं। मैं एक उदाहरण देना चाहूंगी, विनोबा भावे का नाम सुना होगा, वो गांधी जी के साथ साथ गरीब और जमीन विहीन लोगों के लिए काम करते थे। लोगों के पास जाकर कि भाई आपके पास एक्स्ट्रा जमीन है तो थोड़ी इन गरीबों को भी दो, ताकि वो एक अपना झोपड़ा बना के रह सके, थोड़ी खेती करके खा सके। तो एक बार वो ट्रेन में ट्रैवल कर रहे थे और उसके ही कंपार्टमेंट में काफी लेडीज भी थी। तो महाराष्ट्र में वो ट्रैवल कर रहे थे तो एक स्टेशन आया जहां सेवंती के फूलों के गजरे हार मिलते हैं, जो लेडीज महाराष्ट्र में खास बालों में लगाती हैं। तो वो स्टेशन आते ही लेडीज सब वो सेवंती के फूलों का हार खरीद कर फिर बालों में लगाने लगी। गाड़ी आगे चली, उस समय विनोबा भावे कुछ नहीं बोले, पर थोड़े समय के बाद उन्होंने उन बहनों से पूछा कि बहनें ये जो सुंदर फूलों के हार आपने बालों में लगाए हैं क्या ये आपको दिखाई देते हैं? तो उन्होंने कहा कि नहीं, है ना, बालों में लगे हैं तो हमें नहीं दिखते हैं, आईने में देखे तो दिखते हैं, ऐसे अब मुझे अपने आप अभी नहीं दिखते हैं। तो विनोबा भावे ने कहा कि फिर ये हार, फूलों के हार आपने किसको दिखाने के लिए डाले हैं? दूसरों को का ध्यान खींचने के लिए डाले हैं। माना तुम खुद तो बॉडी कॉन्शियस बनी परंतु दूसरों को भी देह आकर्षण में खींचते हो। इसलिए ठीक है, आप सभी ग्रस्त में रहते हैं, दुनियादारी में रहते हैं, आपको उस सामाजिक व्यवहार के हिसाब से और प्रसंगों के हिसाब से थोड़ा ड्रेसअप होना होता है, परंतु हमें लक्ष्य ये रखना है कि इतना नहीं जो हम बॉडी कॉन्शियस बने और दूसरे बॉडी कॉन्शियस हो जाए। आप सबका तो डबल रोल है, बाबा के भी आप बच्चे हैं और दुनिया के हिसाब से भी आपका रोल है। दोनों का थोड़ा बैलेंस रखते हुए हमें चलना है, ताकि हम बॉडी कॉन्शियस ना बने, ताकि हमारी योग तपस्या कमजोर ना हो जाए और थोड़ा दुनियादारी के हिसाब से रॉयल भी रहे, ताकि वो बैलेंस भी हो जाए। और जब आप इस विद्यालय में रोज आते हैं, ज्ञान योग का अध्ययन करते हैं, तो फिर समाज को पता तो चल ही जाता है हमारी दिनचर्या से, हमारे नियम मर्यादाओं से। तो फिर वो भौतिकता या भोगवादिता की अपेक्षाएं हमसे ऑटोमेटिक उन लोगों की कम हो जाती हैं। तो इस प्रकार से व्यसन, फैशन, पिक्चर, होटल, इन सब से भी हमें दूरी बना के रखनी चाहिए, क्योंकि ये चीजें बॉडी कॉन्शियस बनाने वाली है। जबकि हम रोज पुरुषार्थ करते हैं आत्मभिमानी बनने का और सदा एक बाबा की याद में मन बुद्धि लगाने का, तो हमें इससे फायदा मिलेगा। अगर ये नियम मर्यादा का हम पालन करेंगे तो
तो हमारा अपना किया हुआ ज्ञान योग का पुरुषार्थ सफल रहेगा, नहीं तो इधर ज्ञान योग का पुरुषार्थ करो और उधर उससे विपरीत आहार विहार व्यवहार पहरवाइश संग वांछन रखो तो हमारा पुरुषार्थ जीरो होता रहेगा, मीनिंगलेस हो जाएगा। जैसे आप दवाई लेते रहो पर जो डॉक्टर परहेज कहता है वो पालन ना करो, हर बीमारी को ठीक करने की दवाई दी जाती है पर साथ में परहेज भी बताई जाती है, अगर वो परहेज हम पालन ना करें सिर्फ दवाई लेते रहे तो भी कोई फायदा नहीं है, है ना, इतनी इफेक्ट नहीं पड़ती है। तो दवाई भी हमें लेना है क्योंकि मुझ आत्मा को क्योर होना है, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार की महारोग लगे हुए, जैसे भाई बीपी है, शुगर है, हार्ट प्रॉब्लम है, किडनी प्रॉब्लम है, तो कहते ना भाई मुझे तो हर प्रकार के महारोग लगे हुए हैं, तो ये तो हम आत्माओं को महारोग लगे हैं, अब समझ में आया। अब तक हम काम क्रोध लोभ मोह अहंकार को महारोग समझते ही नहीं थे, हम तो समझते हैं गृहस्थी है तो पति पत्नी के विकारी संबंध तो रहेंगे ही, बाल बच्चे वाले हैं तो भ्रष्टाचार तो करना ही पड़े और मोह ममता तो रहेगा ही, है ना। अब वैरायटी प्रकार के लोग हैं, काम करवाना है तो गुस्सा तो करना ही पड़े, तो हम तो उनको आवश्यक चीजें मानकर बैठे थे। जो बुराइयां हैं जिसको हमें छोड़ना चाहिए उस गंदगी को तो और हम अंदर में बसा कर बैठे थे, अब ज्ञान मिला तो समझ में आया कि ये तो मुझ आत्मा को पतित भ्रष्ट तमो प्रधान बनाने वाली चीजें हैं। तो अगर मुझे आत्म शुद्धि करनी है, संस्कार शुद्धि करनी है, तो मुझे अपने मन वचन कर्म को शुद्ध बनाने की जरूरत है, तो ऑटोमेटिक हमें इन चीजों से वैराग्य आता है, घृणा आती है कि अब मुझ ज्ञानी तो आत्मा के अंदर, मुझ योगी आत्मा के अंदर अब ये गंदगी नहीं होनी चाहिए। तो हमारा आहार विहार, विहार मीन्स हम कहाँ कहाँ घूमते रहते हैं, है ना, क्योंकि हर स्थान का भी अपना एक प्रभाव है। देखो एक मंदिर है, आश्रम है, और एक थिएटर है, या ये आप लोग क्या कहते हैं, जुआ खाना जहाँ लोग जुआ खेलते हैं या शराब पीते हैं, है तो दोनों ही स्थान सीमेंट ईंट के बने हुए, है ना, वही मकान का मटेरियल तो वही है दोनों के स्थान का, परंतु मंदिर में जाते हैं, आश्रम में जाते हैं, भगवान की याद आती है, आत्म शुद्धि के विचार आते हैं, मन की शांति की अनुभूति होती है, और एक शराब खाने में या थिएटर में या नाइट क्लबों में, माने ऐसे जो स्थान है जहाँ व्यक्ति विलासी बनता है, व्यसनी बनता है ना, बॉडी कॉन्शियस विषयी बनता है, तो वहां के वातावरण का प्रभाव आपको बॉडी कॉन्शियस विशियस बनाएगा। तो अब जब जीवन का मैंने एक लक्ष्य बनाया कि मुझे भगवान मिले हैं, सत्य ज्ञान मिला है, अब मुझे अपना जीवन पवित्र योगी बनाना है, मुझे मनुष्य से देवता बनना है, मुझे शुद्ध संपूर्ण चरित्रवान बनना है, तो फिर ऐसे गंदे स्थानों पर हमें नहीं जाना चाहिए। तो हमारा आहार विहार, हमारा व्यवहार, हमारे खुद के कर्म योग्य होने चाहिए, क्योंकि कर्म ही तो संस्कार बनाता है। आहार विहार व्यवहार पहरवाइश वांछन, किस प्रकार के बुक्स वगैरह हम पढ़ते हैं, कई ऐसे ऐसे गंदे किताब होते हैं, गंदे चित्रों वाले अखबार मैगजीन्स होते हैं, और
आजकल तो ऑनलाइन भी कितना गंदा साहित्य, ऐसी बॉडी कॉन्शियस नेगेटिविटी वाली साइट्स होती हैं, काम वासना को उत्तेजित करने वाली साइट्स होती है, किताबें होती है। अगर हम ऐसा साहित्य, ऐसी बातें चाहे टीवी के माध्यम से या मोबाइल के माध्यम से, इंटरनेट के माध्यम से देखते हैं, सुनते हैं, पढ़ते हैं, तो ये तो हम खुद ही मन में गंदगी भर रहे हैं, है ना? क्योंकि व्यक्ति जो देखेगा उस पर उनका चिंतन जरूर चलेगा, जो पढ़ेगा सुनेगा उस पर उनका चिंतन जरूर चलेगा, वो हमारे मन को पॉल्यूट करेंगे। और आप देखते हैं ना कि ऐसी फिल्में देखकर, ऐसी नॉवेल्स पढ़कर, ऐसे गंदे गीत डायलॉग सुनकर आज के बच्चे कितने बिगड़ जाते हैं, कितने गंदे कर्म करने लगते हैं। तो हमें ऐसा साहित्य, अखबार, मैगजीन्स, फिल्में या जो भी ऐसे आजकल वीडियोज आते हैं, ऑडियोज आते हैं, हमें वो नहीं सुनना चाहिए। कई कहते हैं कि हम टीवी देखते हैं, फिल्में देखते हैं, सीरियल्स देखते हैं जस्ट टाइम पास करने के लिए। इतना वैल्यूएबल आपका टाइम, इतनी हल्की गंदी चीजों को देखने और सुनने में हमें पास करना है। आज सेकंड सेकंड की कितनी वैल्यू है, हम चाहे हम हर क्षण कितना पॉजिटिव, पवित्र, श्रेष्ठ, शुभ कार्य कर सकते हैं, और हम अपना टाइम ऐसी चीजों को देखने सुनने में पास करेंगे क्या? अच्छा, ऐसे सिर्फ टाइम पास करते हो क्या? जो कुछ सुनोगे, देखोगे, पढ़ोगे, उसका मन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। आज जो लोग फिल्में देखते हैं, ऐसे डायलॉग बोलने लगते हैं, उन एक्टरों जैसी चाल चलने लगते हैं, उन एक्टरों जैसे बाल रखने लगते हैं, तो हम किसको फॉलो कर रहे हैं? हम भगवान के बच्चे हैं, हमें तो बाबा को फॉलो करना है, सत्य ज्ञान को फॉलो करना है, महान आत्माओं को फॉलो करना है, जिससे हमारा जीवन भी महान दिशा में जाए, हमारा वर्तमान भी सफल हो, हमारे संस्कार भी अच्छे बने, और हमारे अच्छे होंगे तो हमारे बच्चों को हम देंगे। हम कहते हैं आज बच्चे बिगड़ गए हैं, पर क्यों बिगड़े हैं? वो हमारे द्वारा पैदा हुए हैं, हमारे द्वारा पले हैं, हमारे बीच में रहते हैं, वो हमसे ही तो बिगड़े हैं। तो पहले हमें अपना आचरण सुधारना है। इस प्रकार से हमारा वांछन या टीवी वगैरह जो भी, आप आजकल किताबें नहीं पढ़ते हैं पर इन सोशल मीडिया के द्वारा पढ़ते हैं, सुनते हैं, देखते हैं, तो जो इनपुट हम देते हैं मन बुद्धि में, वो इनपुट प्योर एंड क्वालिटेटिव होना चाहिए, तो ही आउटपुट अच्छा आएगा। हम कहेंगे आज के बच्चे मानते नहीं है, रिस्पेक्ट नहीं करते हैं, कॉपरेट नहीं करते हैं, पर क्यों नहीं करते? आपने इनके अंदर क्या डाला है? इनपुट कौन सा दिया? इनपुट क्वालिटी बनाओ तो आउटपुट क्वालिटी आएगा। संग भी हमारा ऊंचा होना चाहिए, जो हमें अपनी उन्नति में, आत्म कल्याण के पुरुषार्थ में मदद करते हैं। हमारी ऐसी फ्रेंडशिप नहीं होनी चाहिए जो हमें बॉडी कॉन्शियस बनाए, विशियस बनाए, मटीरियलिस्टिक बनाए। पहचान तो चुके हो ना ये कौन सा समय है, ये संगम का समय है, और ये ही समय है जब हम अपने आप को जितना महान, पवित्र, दिव्य, श्रेष्ठ, शुद्ध बनाना चाहें, हम अभी बन सकते हैं, क्योंकि अभी भगवान बना रहे हैं, अभी सत्य ज्ञान हमें मिला है, ये समय चढ़ती कला का है। इसलिए हमें अपने पवित्र लक्ष्य के खातिर
अपने आत्म कल्याण के खातिर, बाबा की आज्ञा के खातिर, विश्व कल्याण के खातिर भी हमें अपने जीवन को महान बनाना चाहिए। इसलिए संग भी पवित्र ज्ञानी महान आत्माओं का, हमेशा बाबा के संग में रहे, ज्ञान के सत्संग में रहे और ऊंचे लक्ष्य वाली महान आत्माओं के संग में। तो प्रैक्टिकल योगी बनना, योग ऐसे ही मन परमात्मा में नहीं लगता है। जितना ऊंचे ते ऊंचा, सदा पावन, सदा सत्य, सदा कल्याणकारी परमात्मा में मन बुद्धि लगाने हैं, तो मुझ आत्मा को भी ज्ञान और योग की शक्ति से इतना ही ऊंचा, महान, पवित्र, दिव्य बनना है। तो इस प्रकार का सकारात्मक परिवर्तन प्रैक्टिकल जीवन में हम लाएंगे, अपने आप हमारा योग बाबा से लगेगा। सिर्फ हम हवा में बातें नहीं कर रहे हैं, हम प्रैक्टिकल मन वचन कर्म से बाबा के सच्चे बच्चे बन रहे हैं। तो ये रिजल्ट ऑटोमेटिक, ये परिवर्तन आना चाहिए, ये धारणाएं हमारे जीवन में होनी चाहिए, तब कहेंगे ज्ञान समझा है और जीवन में लाया है। तो हम सबका लक्ष्य है ना, बाबा का सच्चा पक्का पवित्र बच्चा बनना है। अपनी दिनचर्या को भी आप सेट करिए। मेरा अपना अनुभव है, रोज की दिनचर्या सफल है तो ऑटोमेटिक जीवन सफल है, और संगम युगी जीवन सफल है तो पूरा ड्रामा सफल है। क्योंकि पूरे चक्र में का आधार संगम युग का वो ड्रामा है। इसलिए संगम युगी ब्राह्मण जीवन हम पक्का, सच्चा, श्रेष्ठ बनाएंगे तो पूरा ड्रामा हमारा सफल हो जाएगा। हम सदा श्रेष्ठ, महान, पवित्रता, सुख, शांति, संपत्ति से समृद्ध प्रारब्ध को प्राप्त करेंगे। और ब्राह्मण जीवन सफल करना है, रोज की दिनचर्या सफल। बाबा ने हम बच्चों को दिनचर्या बना दी। व्यक्तिगत हर कोई जिस देश में रहे, वेश में रहे, जिस हाल में रहे, जिस चाल में रहे, उसमें रहते हुए वो उसका पालन कर सके। सिर्फ हमारा लक्ष्य मजबूत होना है। और दिनचर्या में चार बातें इंपॉर्टेंट है, अमृत वेला उठना। इसलिए निंद्रा जीत बनने के लिए गीता में कहा, क्योंकि जल्दी उठेंगे तो अमृत वेला ब्रह्म मुहूर्त बाबा को याद कर सकेंगे। जो अमृत वेला, अमृत सदृश प्राप्ति कराने वाली, और अमृत वेला योग करेंगे। फाउंडेशन दिनचर्या का फाउंडेशन सुबह है। सुबह 4 बजे से 8 बजे का समय आत्म उन्नति का समय है, सेल्फ एम्पावरमेंट का समय। भल थोड़ी मेहनत लगेगी, परंतु आप अमृत वेले का अभ्यास जरूर करें। रात को टाइम से सो जाएंगे तो सुबह टाइम से उठ सकेंगे। इसलिए रात को सोने की विधि ठीक करो, सुबह उठने की विधि ठीक हो जाएगी। अगर रात को तेरी मेरी करते हैं, फिल्में देखते हैं, कुछ ऐसी बातें पढ़ते हैं, आपस में करते हैं और वही बातें करते करते फिर सो जाते हैं, तो जिन बातों को लेकर आप सोएंगे उन्हीं बातों से आप उठेंगे। ये साइकोलॉजिकल नियम है। जिन विचारों को बुद्धि में भर रहा है, वही बातें करते सुनते देखते सोए हैं, तो सुबह उठते भी आपका मन उन्हीं बातों से फिर जुड़ जाएगा। इसलिए रात को हाथ पांव धोकर, बिस्तर साफ करके सो जाते हो
ऐसे मन को भी साफ करके सोया। सारे दिन का हिसाब किताब बाबा को बताओ, जो गलत हुआ फिर नहीं करेंगे, सॉरी करें, दृढ़ता करें, दोबारा ऐसा नहीं करेंगे। जो कुछ अच्छा हुआ बाबा शुक्रिया, और इस प्रकार बुद्धि को साफ करके पूरे दिन का हिसाब किताब बाबा को बताओ, और फिर हल्का होकर बाबा की याद में सो जाइए। सुबह उठते ही बाबा याद आएगा, है ना। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, किस स्मृति से सोए, उठते ही कौन सी बातें याद आए। तो अमृत वेल, बहुत जल्दी नहीं, 4 से 4:45 बाबा की याद में बैठ। उसके बाद नहा धोकर मुरली क्लास में जाते हैं या खुद मुरली का ध्यान करने बैठते हैं। वो मुरली क्लास रोज डिसिप्लिन से करना, चाहे संगठित रूप से सेंटर में करे, क्लास चलता है तो वहां साथ में करे, या घर में खुद करते हैं तो भी ऑफिशियल गॉडली स्टूडेंट बनकर। दिन भर कर्मयोग, उसमें हर घंटे 1 मिनट बाबा की याद में बैठे। तो हमारी दिनचर्या योगी योगयुक्त बनी रहे। कर्म में योग नहीं हुआ तब तो कर्म विकर्म बने, इसलिए बाबा की याद में। तब हमें सिखाया जाता है ना, घर से बाहर निकलते हैं बाबा को याद करके निकलो, ऑफिस में काम शुरू करते हैं बाबा की याद से शुरू करिए, ब्रेक में बाबा को याद करिए, भोजन करते बाबा को याद करिए, शाम को फिर घर लौटते हैं बाबा को याद करिए, स्नान आद करके फ्रेश होकर ब्रेकफास्ट कुछ भी खाते पीते हैं बाबा को याद करिए, संध्या योग में बैठिए, रात को सोने से पहले बाबा को याद करिए। इस प्रकार दिनचर्या में 8-10 बार विशेष बाबा की याद में बैठिए। तो ये दिनचर्या में कर्म योग, फिर संध्या, फिर बुद्धि को समेट कर बाबा को याद करिए, रात को बाबा को चाट दीजिए। अगर आपकी दिनचर्या इस प्रकार बना के रखेंगे तो आप नेचुरल इजीली योगी बनते जाएं। तो ये कुछ बेसिक नियमों की बात हमने बताई, ये हमारी सेफ्टी वॉल है ताकि हमारी आध्यात्मिक स्थिति बनी रहे, बिगड़े नहीं, हमारी एनर्जी वेस्ट ना हो, और एक हमारी मजबूती बनती जाए, हमारा जीवन योगी स्वरूप लेता जाए। ओम शांति। बहुत बहुत शुक्रिया वैशाली बहन जी और चंद्रू बहन जी, हेमा बहन और सभी कैलिफोर्निया के बाबा के बच्चों का। आज आपने हमें मिलने का मौका दिया और आपस में कुछ चिंतन को शेयर करने का मौका दिया। थैंक यू वेरी मच। ओम शांति। हाँ दीदी, एक क्वेश्चन है कि आपको कैसे पता चले कि आपका योग ठीक है या आपका योग लगा है कि नहीं लगा है, आपको कैसे पता चले? बड़ी सिंपल बात है, आपका बुद्धि योग कोई व्यक्ति से लग गया है, दिल लग गया है, आप उस पर फिदा हुए हैं, वो आपको कैसे पता चलता है? कैसे पता चलता है? आपको पता चलता है, बल्कि दूसरों को भी पता चल जाता है। दुनिया भी परख लेती है कि आजकल इसका मन इसके पीछे लगा हुआ है, ये इनके ऊपर फिदा हुई है। तो जब हमारा मन बाबा से लगता है तो हमें बहुत ही
अतीन्द्रिय सुख महसूस होता है, हम और बातों से डिटैच हो जाते हैं, बाबा के प्रति एकाग्र हो जाते हैं, दिन रात उठते बैठते बस बाबा बाबा ही होता रहता है, दुनिया की कोई बातें खींच नहीं सकती है। ये उनकी निशानियां हैं कि हम सभी चिंताओं तनावों बोझों से मुक्त लाइट बन जाते हैं और बस आनंद ही आनंद, खुशी ही खुशी।